नमस्कार दोस्तों, जीवन में हर कोई इंसान, चाहे मैं हूं, आप हो या दुनिया का हर एक इंसान, बेहतर से बेहतर करना चाहता है। यदि वो आज 10,000 रुपए कमा रहा है तो वो 20,000 की सोच रख रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है तो 40,000 की सोच रख रहा है, जो नहीं कमा रहा है वो 20-30-40,000 की सोच रख रहा है, या फिर जो पढ़ाई कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की सोच रख रहा है, जो किसी बिजनेस लाइन में है उस बिजनेस लाइन में टॉप से टॉप लेवल पे जाना चाहता है, किसी सर्विस सेक्टर में है उस सर्विस सेक्टर में बड़े से बड़े ओहदे पे जाना चाहता है। यानी कि दोस्तों, हर इंसान आज कुछ बेहतर से बेहतर की तलाश में भटक रहा है। यदि आज कुछ है फिर उससे बेहतर चाहिए, यदि आज नहीं कुछ है तो बेहतर कैसे मिलेगा उसके लिए वो फाइट कर रहा है। दोस्तों, आज की टॉपिक इसी टॉपिक के ऊपर है, यानी कि जब भी आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, चार चीज जो आपके जीवन में बाधा डालती है, चार चीज जो आपके कामयाबी में रुकावट डालती है, चार चीज जो आपको लाइफ में बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंचने से रोकती है, उस चार चीजों की चर्चा होने वाली है। नमस्कार, मैं रोशन आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन 707 में। दोस्तों, बहुत ही कमाल की टॉपिक है, यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा उस हर व्यक्ति के पास जो व्यक्ति लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वो चार चीज में से सबसे अहम बात, सबसे पहला पॉइंट जो आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा रुकावट है, वो है दोस्तों आपका आलस्य। आलस्य को सबसे पहले दूर भगाइए। जिस इंसान के जीवन में आलस्य है वो इंसान कभी भी कुछ बेहतर नहीं कर सकता। सुबह में उठते कि सबको चाहते सुबह हम 5 बजे उठ जाएं, लेकिन उठने से कौन चीज रोकता है, वो है आपका आलस, वो आपको रोक रहा है, जिसकी वजह से आप उठने में लेट होते हैं। उठना चाहिए 5 बजे, उठते हैं 8 बजे, उठना चाहिए आपको 5 बजे, उठते हैं आप 10 बजे, उठना चाहिए आपको 4 बजे, आप उठते हैं 7 बजे, 7:30 बजे। जब तक आप उठते हैं ना दोस्तों, उस समय के दरमियान बहुत सारे लोग ऐसा है ना कि बहुत सारे काम निपटा के घर बैठ गए होते हैं। किसान, जब तक आप उठते हैं यदि आपके माता पिता किसान है, तब तक खेतों से हो आते हैं, खेतों का हालचाल देखाते हैं और उसके ऊपर दिन में काम कर लेते हैं, यानी सुबह में हालचाल देखिए कि क्या करना जरूरी है और दोपहर में जाके काम कर लिए, या फिर सुबह में ही जाके वो निपटा के आ गए, कुदाली पारना है, कुदाली लगाना है, लगा के चले आए। उस 2 घंटे के दरमियान जब आप सो रहे थे तब तक आपके पिताजी कुछ करके चले आए। आज यही नियम है कि हर बच्चे आज सुकून से 2 वक्त का अनाज खा पा रहा है तो उसी पिताजी के मेहनत के बदौलत, क्योंकि आज उनके पास आलस नहीं है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे उदाहरण है, बस मैंने एक उदाहरण समझाया। आलस से आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे पहले इस आलस को दूर भगाइए। उठना है सुबह में तो उठना है, ट्रेनिंग करनी है तो करनी है, मीटिंग लेनी है तो मीटिंग लेनी है, जॉब पे जानी है तो जानी है, कोई लापरवाही नहीं। 10 बजे जाना है तो 10 बजे ही जाना है, हो सके तो 10 मिनट पहले जाइए, 10 मिनट बाद नहीं। यदि आप बिजनेसमैन है तो टाइम पे जो वर्क करना चाहिए उस वर्क को करने से आप पीछे मत हटिए, आलस से कभी नहीं। आज का काम कल पे कभी मत छोड़िए। कबीरदास जी कह गए हैं कि काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करोगे कब। लेकिन आज के युवा, आज की जनरेशन की ये सोच है, आज करे सो कल करो, कल करो सो परसो, इतना भी जल्दी क्या है जब जीना है परसो। बड़ा हंसी आया होगा सुनने में, लेकिन जीना है जब बरसो, रोड पे निकले ट्रक आया उड़ा दिया, बरसो कहां चाहिए आपको, टपट है 20 साल नहीं, 22 साल नहीं, फिर आपके माता पिता जो आपसे अरमान लगाए थे वो अरमान तो नहीं पूरा कर पाया। पहला, आलस्य को आप भगाइए, आलस्य आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा, आदत। आप जो आदत लगाएंगे उसी से आपका चरित्र का निर्माण होता है। सपोज यार, सुबह में यदि रोज कोई उठता है ना, तो दुनिया की नजर में, आपके टोले मोहल्ले वाले की नजर में आपकी छवि बन जाएगी। वो इंसान ऐसा इंसान है जो 5 बजे के बाद बेड पर नहीं रहता है, वो इंसान सवेरे उठता है, कोई दूसरा बोल भी दिया ना नहीं उठता होगा, नहीं सवेरे उठता है, मैं रोज देखता हूं सवेरे उठता है, आपकी छवि के बारे में लोग बनाई कर रहे हैं। अब सुबह उठने का क्या फायदा है वो तो आपको पता ही, किसी को बताने की जरूरत नहीं। यानी कि जब आज आप एक आदत लगाते हैं उससे आपका भविष्य का निर्माण हो सकता है। बुक पढ़ने की आदत डालें, भविष्य आपका है, आप ज्ञानी बनेंगे। सुबह उठने की आदत डालें, एक्सरसाइज करने की आदत डालें, आप स्वस्थ बनेंगे। सुबह उठ के काम करने की आदत डालें, भविष्य में आप धनवान बनने की संभावनाएं आपकी बनेगी। आज जो आपका आदत है वो आपका कल का भविष्य है। आज की आदत आपकी है सोने की, कल का आपका भविष्य है अंधकार। आज आपकी आदत है सोने की, कल आपका भविष्य अंधकार है। आज आपकी आदत है देर रात तक काम करने की, कल भविष्य आपका है कि आप भविष्य में एक ऐसे मुकाम पे होंगे जिस समय में दुनिया काम कर रही होगी और आप सो रहे होंगे और आपको पैसे आ रहे होंगे। तो दोस्तों, ये आदत ही है जो आपके आपके भविष्य को उज्जवल बनाती है। तीसरी चीज है नियम।
हर काम को करने का पीछे एक नियम होता है, नियम एवं शर्त जुड़ा होता है। उस काम को उसी नियम एवं उसी शर्त के अनुकूल यदि करते हैं तो आप आदर्शवादी इंसान कहलाते हैं। यानी कि यदि किसी चीज को करने का कोई नियम हो, उस नियम को यदि आप तोड़ते हैं तो आप आज्ञाकारी नहीं कहलाएंगे या फिर अनुशासित व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। अनुशासित व्यक्ति क्या करता है, जिस काम को जिस नियम एवं शर्त के साथ करना चाहिए और जिस समय पर करना चाहिए उस समय पर उसी नियम एवं शर्त के साथ करता है, तो ही वो इंसान दूसरों की नजर में अपनी छवि अपनी छाप बेहतर छोड़ पाता है। यानी मैं किसी की नजर में अच्छा कब बनूंगा, जब उस काम को जिस काम को करने से मेरी छवि अच्छी बनने वाली है उस काम को नियम एवं शर्त के साथ करूंगा। 10 बजे ऑफिस जाना है, 10 बजे ही जाएंगे, यह नियम है, सबके लिए नियम है, आपके लिए स्पेशल नहीं है। तो 10 बजे ऑफिस पहुंचना अनिवार्य है, ड्यूटी पर पहुंचना अनिवार्य है। यदि कोई 11 बजे पहुंचता है उसकी छवि क्या है, यह आदमी हमेशा लेट आता है और आपकी बातों को कभी वैल्यू नहीं देगा। जब कोई महत्वपूर्ण बात भी सामने रखेंगे ना जो आपके जरूरी आपके लिए जरूरी होगा तो उस बात को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, यह बंदा टाइम का पंचोल ही नहीं है, इस बंदे से क्या बात किया जाए, यह बंदा खुद नियम तोड़ने वाला है और नियम की बात करता है। तो नियम बहुत जरूरी है लाइफ में, जो व्यक्ति नियम नीति निर्देश को फॉलो करता है उसकी छवि लोगों के नजर में अच्छी बनती है, बेहतर बनती है। तीसरी चीजें हो गई, चौथी चीज है प्राथमिकता। प्राथमिकता, आप किस काम को प्राथमिकता पहले देते हैं, प्राथमिकता मतलब किस काम को महत्व आप ज्यादा देते हैं, किस काम को कम करना चाहिए, यह डिसीजन लेना सबकी बस की बात नहीं है। एक उदाहरण समझाता हूं, मान लेते हैं आज रात में 9 बजे में 3 घटनाएं घटित हो गई, आप किस काम को करेंगे पहले ये बात बता दीजिए। पहला, आपको 9 बजे में ओवर टाइम लगाने के लिए जाना है ऑफिस में या फिर अपने कंपनी में, ओवर टाइम लगाने के लिए 9 बजे में ओवर टाइम लगाने जाना है, मालिक ने बोला करना ही है, जरूरी है, बड़ा ऑर्डर है, 9 बजे नहीं आओगे दिक्कत हो जाएगा। पहला ये हो गया, 9 बजे में ही अचानक, बुरा मत मानिएगा, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, आपके पिताजी का दुर्घटनाग्रस्त, पिताजी नहीं है माताजी का हो गया, किसी अपने परिजन का खास बीवी का भाई का दुर्घटना हो गया जिसको हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। दो परिस्थिति हो गया, पहला 9 बजे ऑफिस जाना है ओवरटाइम करने, दूसरा पिताजी एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल ले जाना है, तीसरा 9 बजे में ही शादी का मुहूर्त पंडित जी ने तय कर दिया, आपको शादी करने जाना है। अब लड़का है लड़की से शादी, लड़की है लड़का से शादी, बोलेंगे क्या बात कर रहे, यही तो होता है, नहीं होता है लेकिन आजकल का दुनिया थोड़ा चेंज हो गया भाई, लड़का लड़का में भी शादी हो रहा है, थोड़ा सा डीपली समझा दिए, शादी है मुहूर्त है 9 बजे, क्या करेंगे इस तीनों काम में सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? या जितने भी लोग हैं ना 90% ऐसे लोग होंगे, सभी लोग बोलेंगे कि मुझे पिताजी को लेकर हॉस्पिटल जाना है, भाई को लेकर हॉस्पिटल जाना है, मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाना है और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाना है, सबसे पहला काम ये, यानी तीन काम में सबसे पहले प्राथमिकता इस काम को देंगे, तब बाकी काम को पहले हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। सब बोलेंगे वाह 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 वाह, क्या बात है, मुझसे पूछिएगा मैं भी यही बात बोलूंगा शायद, लेकिन मुझे एक चीज नॉलेज जब हुई तो मुझे लगा नहीं चीजों को मैनेज किया जा सकता है, तो जरूरी नहीं जिस काम को मैं ही कर सकता हूं तो उस काम को मैं ही करूंगा, लेकिन जिस काम को जरूरी नहीं कि मैं ही करूं तो उस काम को कोई और भी कर सकता है। प्राथमिकता का मतलब ये होता है, यदि मुझसे पूछेगा अब तो मैं कहूंगा मैं पहले शादी करना चाहूंगा, बोले क्या बेवकूफ आदमी, पिताजी एक्सीडेंट कर गए हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है, ये शादी करेंगे भाई साहब, क्या बेवकूफ आदमी, थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं, माता पिता जिसने पैदा किया उसको भूल गया, जो शादी हो रही है हुआ भी नहीं है हो रही है उसके लिए इतना इंपॉर्टेंस, ध्यान दीजिएगा, जो ओवर टाइम आप लगाने वाले थे क्या वो ओवर टाइम आप नहीं लगाएंगे क्या वो काम रुक जाएगा, आपके बदले कोई और जाएगा, थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा, थोड़ा आपका पैसा कट जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो कटेगा नहीं ओवर टाइम, जब पैसा नहीं मिलेगा यही होगा, लेकिन जब परिस्थिति मालिक को समझाएंगे समझ जाएगा, ओवर टाइम नहीं लगा पाएंगे आप, हो सकता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, उस काम को मालिक के पास और भी लोग हैं किसी और से करवा लेंगे, क्योंकि वो एक मालिक है उसको ऑर्डर पूरा करना है, आप नहीं पे और से वो ऑप्शन में आदमी रखे होगा, ये नहीं करेगा तो कोई दूसरा कर लेगा, जब आप जवाब दे देंगे तो दूसरा कोई तैयार कर लेगा वो, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है वो करना है वो कर लेंगे। पिताजी का एक्सीडेंट हुआ हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है, हम बोले हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है, इलाज जरूरी है, उसका इलाज जरूरी है, इलाज कौन करेगा, डॉक्टर, हॉस्पिटल कौन ले जाएगा, बोलेगा मैं, क्यों आप ही क्यों नहीं जाएंगे, मतलब आपके पिताजी ने ठान लिया है कि जब हम एक्सीडेंट होंगे तो अपने बेटे की के गाड़ी में ही बैठ के जाएंगे या बेटा ही हमको लेके जाएगा तभी हॉस्पिटल जाएंगे, उसको कोई भी इंसान लेके जाए लेकिन हॉस्पिटल लेके जाए, उसको सबसे ज्यादा जरूरत आपकी नहीं हॉस्पिटल की है, डॉक्टर्स की है ना, तो उसको आपका भाई लेके जा सकता है, आपकी मम्मी लेके जा सकती है,
आपका चचेरा भाई लेके जा सकता है, आपके पापा जी का भाई आपके चाचा जी लेके जा सकते हैं, या आपकी आपकी मम्मी को आपके पिताजी लेके जा सकते हैं, या आपके भाई को आपके पिताजी लेके जा सकते हैं, या आपके पिताजी को आपके भाई लेके जा सकते हैं। मतलब जिसका भी एक्सीडेंट हुआ रहेगा, जिसको भी साथ परिस्थिति खराब होगी, उसको कोई और भी इंसान हॉस्पिटल ले जा सकता है, उसको डॉक्टर की ट्रीटमेंट जरूरी है। डॉक्टर की ट्रीटमेंट जब होना शुरू हो जाएगा तो आप एक आध घंटा बाद भी जाकर के मिल लेंगे, लेकिन शादी आपके जगह पे उस लड़की से कोई दूसरा नहीं कर सकता भाई, शादी आप ही को करना होगा, उसके मांग में सिंदूर आप ही भरेंगे, वो भी टाला जा सकता है, ऐसी परिस्थिति में टाला जा सकता है, शादी भी टाला जा सकता है, अभी नहीं शादी हुई कल हो जाएगी या 10 दिन बाद फिर मुहूर्त निकाला जाए, लेकिन जब तीनों काम को एक साथ करना होगा, तीनों काम को, तो प्राथमिकता पहले किसको देंगे? प्राथमिकता पहले आप देंगे शादी को, क्योंकि शादी आपके बदला कोई और नहीं कर सकता उस लड़की से या उस लड़का से, क्योंकि आप ही के साथ शादी तय हुआ है। शादी हो गया, बस वही होगा कि जो 2 घंटे में काम की बात होने वाली होगी उसको हम 20 मिनट में कर लेंगे, बोले 20 मिनट में सारा कुछ निकल जाएगी, मुझे हॉस्पिटल जाना, मेरे पिताजी का देहांत होने वाला है या मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, सब करेंगे 20 मिनट के अंदर शादी संपन्न, आप चले गए, शादी भी हो गई, पिताजी का इलाज भी हो गया, तीसरा कोई और दूसरा बंदा उस काम को कर रहा होगा यदि आपने मना कर दिया तो, या फिर अपनी जगह पे किसी और को भेज करके उस काम को पूरा करवा देंगे। मालिक के नजर में आपकी छवि ही बन गई, किसी और को भेज दिए तो, या फिर मालिक ने किसी और से काम करवा लिया था, कम से कम उसको तो लगेगा इंसान ने मुझे धोखा नहीं दिया, समय पे बोल दिया कि ये इस परिस्थिति की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा, और परिस्थिति इसका जेन्युइन था, लेकिन अचानक नहीं गए तो मालिक के नजर में छवि खराब, पिताजी को हॉस्पिटल लेके नहीं गए, पिताजी की नजर में छवि खराब, शादी करने नहीं गए वहां पे छवि खराब, ये बंदा क्या लाइफ में सीरियस होगा जब शादी करने के लिए भी टाइम नहीं है। तीनों काम हो गया, प्राथमिकता किस काम को पहले देते हैं, कौन सा काम कब करना है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, यानी कि प्राथमिकता तय करना बहुत जरूरी है, जिस काम को लगे कि इस काम को अभी तुरंत करना जरूरी है, इस काम को मेरे बगैर कोई और नहीं कर सकता, उस काम को आप पहले कीजिए। ये 4 चीज आपके जीवन को बदल के रख देगा। आलस से छोड़िए, आदत अच्छा आदत बनाइए, नियम एवं शर्तों के साथ, नियम एवं नीति को फॉलो करते हुए काम कीजिए, और अपनी प्राथमिकता को चुनिए। प्राथमिकता क्या है, किस काम को पहले करना चाहिए, वो चीज पहले जानिए, मजा आ जाएगा जीवन में। आपकी कामयाबी आपके कदम चुमेगी। आपकी कामयाबी की 4 चीजें रुकावट जो आपको कामयाब नहीं होने देती है वो कौन सी चीजें हैं, ये 4 चीजों को यदि दूर करिए तो जीवन में एक बेहतर कामयाबी की ओर आपका कदम उठ जाएगा, और एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही कमाल के टॉपिक के साथ, एक अनोखे अंदाज में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों।